हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण लेटर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक है आपके नोशनल इंक्रीमेंट से सरकार तीन साल का एरियर देगी केवल एक हज़ार से तीन हज़ार रुपये पर मंथ की होगी पेंशनर की बढ़ोतरी और दूसरी बात करेंगे सी का जबरदस्त आदेश एक जून से होगा लागू अब डी, -डी बनेंगे इस पर सेंटर दोनों ही जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो पूरी एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आप जो भी जानकारी मैं आपको दूँ वो पूर्ण रूप से आप ग्रहण कर सकें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें सबसे पहले हम चलते हैं नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो भारत सरकार का लेटर है सबसे पहले वो देखते हैं देखिए मोस्ट इमीडिएट कोर्ट केस मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है 20 मई 2024 को द जनरल मैनेजर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट सब्जेक्ट क्या है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू यू ऑन फर्स्ट जुलाई और फर्स्ट जनवरी फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स टू दोज एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड ऑन तीस जून बिफोर ड्रॉइंग द सेम और थर्टी फर्स्ट दिसंबर यानी जो नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर के लिए मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है इन्होंने बताया कि देखिए हमने नौ फरवरी दो हज़ार चौबीस को अपना एक लेटर था उसके आपके बारे में बताते हैं वेयर बाई इट वॉज एडवाइस टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स प्रनाउंस बाई वेरियस कोर्ट्स ऑफ लॉ ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट इन लेटर एंड स्प्रिट स्ट्रिक्टली इन परसोनल बेसिस यानी जिस जिसका भी आपका केस आएगा उनको इंडिविजुअली आप इसका बेनिफिट देंगे जो भी लिखा गया है एज इट इज बेनिफिट देंगे ओनली इन दोज केसेस वेयर ए कंटेम्प्ट पेटिशन हैज फाइल्ड बाय द पेटिशनर सब्जेक्ट टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव रिसीव्ड फ्रॉम डी एंड फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन दैट द पेटिशनर हैड कंप्लीटेड ट्वेल्व मंथ्स ऑफ सर्विस ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन सिंस द डेट ऑफ एक्ल ऑफ लास्ट एनुअल इंक्रीमेंट यानी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी कि देखिए उसमें हमने बताया था कि आपको पर्सनल बेसिस पर जो भी लेटर में आएगा सेम आपको जानकारी देनी है अगर कोई केस किसी के खिलाफ नहीं है कोई अगर रिटपेटिशन नहीं डाली गई है तो उन सबको आप नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देंगे सब्सिक्वेंटली इट हैज कम टू नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री कि हमारे मिनिस्ट्री के पास ये नोटिस में आया है कि ऑनरेबल कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स आर डिस मिसिंग द न्यू फ्रेश केसिस फाइल्ड बाई ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द एप्लीकेंट्स उन्होंने बोला है कि देखिए जो केसिस है कि अभी हमें पूरा एरियर दीजिए उसको यहाँ पर कैंसिल किया गया है डिसमिस किया गया है रेस्ट्रिक्टिंग द पेमेंट ऑफ एरियर्स टू ओनली थ्री ईयर्स बिफोर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग द केसेस। कि देखिए जो भी केस फाइल किए के जा रहे हैं उस फाइलिंग डेट से केवल तीन साल पुराना ही एरियर आपको मिलेगा आपको पूरा एरियर जो बनता है वो नहीं मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीबिलिटी ऑफ द नोशनल इंक्रीमेंट दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन एडॉप्टेड बाई वेरियस कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स रिलाइंग अपॉन द लेट डाउन ऑनरेबल जजमेंट जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तेरह अगस्त 2008 का जो सिविल अपील नंबर 5151 और 52 के अगेंस्ट में बताया गया था कि देखिए आपको तीन साल का ही जब आप फाइल करते हैं केस एरियर मिलेगा तो उस यहाँ पर जजमेंट का इन्होंने हवाला दिया है और बोला है कि देखिए जो एरियर मिलेगा वो केवल तीन साल का ही मिलेगा इन व्यू ऑफ अबव इट हैज बिन डिसाइडेड दैट हैंसफोर्थ वाइल इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स प्रोनाउंस बाई वेरियस कोर्ट ट्रिब्यूनल्स ऑन परसोनम बेसिस ओनली इन कंटेम्प्ट केसेस पेमेंट ऑफ एरियर्स वुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू थ्री ईयर्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस जो केस फाइल करने की डेट थी उससे केवल तीन साल पहले का ही एरियर आप लोग देंगे ये यहाँ पर बताया गया है इट इज रिटेटेड दैट एफ्रोसेड बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट सेल ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड टू कंटेम्प्ट केसेस एज रिगार्ड टू अदर केसेज सिमिलरली सिचुएटेड पेंशनर्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस वुड बी इश्यूड सेपरेटली देखिए जिन्होंने कोर्ट केस किया है कंटेम्प्ट केस किया है उन्हीं को इसका बेनिफिट दिया जाएगा और जो सिमिलरली वहाँ पर प्लेस हैं यानी जिनका कोर्ट केस नहीं है उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसके लिए जब तक आपको इंतज़ार करना होगा जब तक सेपरेट गाइडलाइंस या क्लैरिफिकेशन डी की तरह से जारी नहीं की जाती हैं ये यहाँ पर बताया गया है और बीस मई दो का लेटर है और देखिए ये वो जजमेंट है जो 13 अगस्त 2008 का है जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए आपको जो एरियर है वो तीन साल का दिया जाएगा जब आपने केस फाइल किया था लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कोर्ट केसेस होते हैं या ट्रिब्यूनल के केसेस होते हैं या हम बात करें ए के कोर्सेज होते हैं इनमें वो अपने जजमेंट में साफ साफ मैंशन करते हैं लेकिन अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट से जीतता है और वो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी कई गाइड नहीं आती है यहाँ पर गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर होती हैं कि आपको इनको जो है जिस दिन से रिटायर हुए उस दिन से बेनिफिट देना है अब मान्य सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 2023 में उसके बाद डीओपीटी के क्या गाइडलाइंस आती हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगी लेकिन देखिए अगर ये सारी चीजें आप हर दो महीने बाद रिवाइज करने लगे कि तीन साल का ईरियर देना है तो इससे कहीं ना कहीं जो पेंशनर है उनके मन में गलत धारणा पैदा हो जाएगी सरकार के प्रति या आपके डिपार्टमेंट के प्रति आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा अब चलते हैं दूसरी और बड़ी जानकारी की तरफ देखिए 20 मई 2024 का यह भी लेटर है और यह सीजीडी की तरफ से जारी किया गया ओल पीसीडीएज सी डी एज थ्रू सीजीडी वेबसाइट Restructuring ऑफ इस service सर्विस सेंटर्स फंक्शनिंग एट डी पी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जितने भी पेंशनर हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पर्स में माइग्रेशन होने से पहले भी क्योंकि उनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हो पाया तो यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शनल कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करना है इन डी में तो यहाँ पर देखें उन्होंने बताया आफ्टर ड्यू रिव्यू द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट ऑथॉरिटी ऑथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल एंडशनल फंक्शनिंग एट वेरियस डी पी डीओ अंडर सी डी ए पी डी मेरठ 51 और सी चेन्नई के अंदर तेहरा जो है आ जाएंगे अब यानी जो 64 फोर स्पर सेंटर हैं उनके लिए परमिशन मिल चुकी है जो डीपीडीओ में काम कर रहे हैं द डिफेंस पेंशन डिस्पर्समेंट ऑफिस डीपीडीओज आर हेंसफोर्ड रिडिजाइंड एज स्पर्स सर्विस सेंटर उन डी पी डी ओ को रीडिजाइन किया जाएगा ताकि वो स्पर्स सर्विस सेंटर की तरह काम कर सकें और भी देखिए बहुत सारी जानकारी यहां पर दी गई है पेमेंट ऑफ पेंशन इन रिसिप्ट ऑफ ग्यारह हजार पिचासी पेंशनर्स हुर स्टिल बींग पेड बाई डी पी डी ओज एंड येट नॉट माइग्रेटेड टू स्पर्स विल बी सेंट्रली एंट्रस्टेड टू आश्रय टीम एट सेंट्रैट दिल्ली और ये जो न्यू अरेंजमेंट है यहां पर आप देख सकते हैं एक जून 2024 से प्रभावी हो जाएंगे तो जो भी हमारे पेंशनर हैं जो डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है अब वो भी देखिए स्पर्श जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे वो भी अपने डीपीडीओ में अब देखिए इन दिस रिगार्ड नेसेसरी पार्ट वन ऑफिसर ऑर्डर विल बी पब्लिस्ड बाय द रेस्पेक्टिव पीसीडीए सीडीए एंड ए कॉपी ऑफ द सेम सैल बी एंडोर्स फॉरवर्ड इनेक्शन थ्री ए टी पेंशन विंग जो भी है ऑफ दिस हेडक्वार्टर वहां पर उनको भेजेंगे दिस रिस्ट्रक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन लाइन ऑपरेशन एंड एनहेंस द सर्विस डिलीवरी कंप्लाइंस विद द अबाउ डायरेक्टिव इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज चेंजेस ये जो चेंजेज हैं देखिए बहुत अच्छे चेंजेस हैं और इन चेंजेस से जो भी हमारे पेंशनर हैं डी पी डी ओ से पेंशन ले रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं जो भी आपका चेंज हो रहा है जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है बहुत काम आने वाला है तो जितने भी पेंशनर हैं उन सबके लिए अच्छी खबर है एक जून दो से यह प्रभावी होने वाला है तो ये थी दो बड़ी जानकारियां फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत